हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का फिफ्थ लेक्चर। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे और उनको हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, हम उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पहले हमारे पास फॉर्मूला इसके कौन कौन से, तो वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला डिस्कस करते चलते हैं। जो इसमें फॉर्मूला लग रहा है पहले मैं वही बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है ये, वैसे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इसमें से, तो उसके बाद जो आएगा इससे डिवाइड करके, तो वो आंसर, वो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा। तो हम यहाँ से, हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है सेम चीज़, और यहाँ पे भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ये बी क्या है, ये तो ए प्लस बी, इसको इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 18 6 24, और ये कितना हो गया 25। तो ये हो गया 25 ए प्लस बी, ये और ये 25। दूसरा ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या 18 माइनस 43, और बी क्या हमारे पास 6 माइनस 57। तो इसको माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 86, और नीचे भी कितना था, 11 माइनस 0.86, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास रह गया 25। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 943 प्लस 864 का स्केयर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्केयर अपॉन 1886 इंटू 1728। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये देखो, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है ए, और ये प्लस और ये बी, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्केयर, और ये हमें दिया हुआ है ए, ये माइनस बी और इसका होल स्केयर। तो ये हमारा ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्केयर, बीच में माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर, और नीचे ये वैल्यू दी हुई हमें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हम ए प्लस बी का होल स्केयर और माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर, ये होता है हमारा 4ab के इक्वल। ये हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, जब हम अलजेब्रा करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे, अभी के लिए हम ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं। और आप इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, तो कैंसिल करके हमारा इतना ही आएगा। तो इसका हम फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, 4ab, तो मतलब कि हमें इसकी जगह पे ये 4ab लिख देना है, मतलब कि ये 4 का 4, a हमारे लिए क्या था, a हमारे लिए था 943, और b कितना था, 864 अपॉन, और डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू थी, 1886 और 1728। अब ये वैल्यू दो पे कैंसिल होगी, और ये वैल्यू भी दो पे कैंसिल, और यहाँ से टू से टू पे, और ये भी टू से कैंसिल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 1। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 75.8 का स्केयर माइनस 55.8 का स्केयर अपॉन 20। तो ये भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ऊपर जो वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब, और ए माइनस बी, जब हम ए प्लस बी करेंगे, पहले हम ए माइनस बी देख लेते हैं, जब ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20, जब हम ए प्लस बी करेंगे, नीचे हमारे पास 20 है, और ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, इसको इसको ऐड करेंगे तो 75 में 55 ऐड करेंगे तो 130 से तो ज़्यादा ही आएगी, तो 130 से ज़्यादा आएगी मतलब 131.6 होगी। हम इसको पूरा ऐड नहीं करने लग जाएंगे, अगर आप ऐड कर सकते हो तो जल्दी जल्दी इसको ऐड कर लेना, लेकिन वैसे भी हमें यहाँ से पता लग रहा है कि 20 के साथ 20 तो कैंसिल हो ही रहा है, और यहाँ पे 75 को 25 से ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बना था ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो हमें दिया हुआ है, इसमें हमारे पास तीन वैल्यू है, और तीनों का मल्टीप्लाई करके प्लस, और ये तीन वैल्यू है,
इसका मल्टीप्लाई, और नीचे हमें दो वैल्यू का मल्टीप्लाई प्लस इन दो का मल्टीप्लाई प्लस ये। तो अभी हमें यह देख के पता लग रहा है जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे तीन वैल्यू है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रही है, तो ये हमारा हो गया ए। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, और नीचे ये हो गया ए स्क्वेयर, ये हो गया बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी। और सबसे पहले हम इसमें से क्या कर लेते हैं, पॉइंट कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें हम पॉइंट कॉमन लेंगे तो ये दो से पहले, दो से पहले, दो से पहले, तो 10 से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 10 की पावर -6। अब यहाँ पे एक और एक दो, तो इन सब में से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे पावर आ जाएगी 10 की पावर -2। तो ये तो हो गया हमारे पास 10 की पावर -4, और यहाँ से ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी। जब हमने ये कॉमन ले लिया तो ये पॉइंट हट गया, और यहाँ से ये पॉइंट। अब हमारे पास जो वैल्यू बची, हमारे पास बच गया सिर्फ 575 प्लस 325 मीन्स 900। तो हमारा जो आंसर होगा 900 × 10 की पावर -4। और अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये पॉइंट ये होगा 1, 2, 3, 4, तो 0.09, 0.09 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 63, यहाँ पे 3 टाइम्स है, प्लस 36.5 यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो ये बन गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर, और यहाँ पे अगर इसमें इसमें तीन पॉइंट, यहाँ पे एक के आगे पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर हमें तीनों में से पॉइंट कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 10 की पावर -3, यहाँ से भी और यहाँ से कॉमन लेने के बाद। उसके बाद अगर ये पॉइंट हट जाएगा, जब इसमें से हम पॉइंट कॉमन लेंगे, यहाँ पे दो से पहले, दो से पहले 4, तो सेम इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट 10 की पावर -4, और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे बन रहा है ए स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर और ये ए बी। और यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ पे और क्या था, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया प्लस प्लस का 10 की पावर +1। और ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या था, 635, और बी था 365। तो यहाँ पे आएगा 635 प्लस 365। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। तो ये हो गया 10000 हमारा आंसर। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि इसमें 6 पॉइंट हटाने के बाद 10 की पावर -3 कैसे आया, तो जैसे मान लो हमारे पास 63.5 है, तो जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। अब इस 10 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 635 × 10 की पावर -1। तो ऐसे ही हमारे पास तीन थे, तो हम तीनों में से अगर 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 लेके आएंगे तो वो तीनों ऐड होकर 10 की पावर -3 बन जाएंगे। तो इसमें से भी 10 की पावर -3 और इसमें से भी 10 की पावर -3, तो दोनों में से 10 की पावर -3 कॉमन आया, तो ये वैल्यू बिना पॉइंट की रहेगी। और इसमें दो दो वैल्यू थी, इसलिए 10 की पावर 2, इससे दो इससे, तो -4, इसमें से भी -4, इसमें से भी -4, इसमें से भी -4। तो यहाँ हमें ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.943 2 टाइम्स -0.943 × 0.057, 0.057 2 टाइम्स, और वैसे यहाँ पे 0.943 3 बार प्लस 0.057 3 बार।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर का माइनस ए बी, और ये बन रहा है ए बी स्क्वेयर, इसमें ए क्यूब और ये बी क्यूब। तो पहले हम इसमें से पॉइंट कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी तीन से पहले पॉइंट, इसमें भी तीन से पहले पॉइंट, तो मतलब 10 की पावर -3 -3 -6, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -6 अपॉन, इसमें भी 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तीनों में से कॉमन आया ये हो गया 10 की पावर -6। अब इसमें 10 की पावर यहाँ पे कितनी बार है, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ तो 10 की पावर -9 आ जाएगा। और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम लिख लेंगे पूरा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू ऊपर गई 10 की पावर -6 प्लस 9 अपॉन ए प्लस बी, जब हमने पॉइंट कॉमन लिया था तो यहाँ क्या रह गया 943 प्लस, ये पॉइंट हट गया सब में से। यहाँ हमने 10 की पावर -6 कॉमन ले लिया था और यहाँ 10 की पावर -9 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा ए प्लस बी का, ए हमारे पास था 943 और बी था हमारे पास 57। अब इसको ऐड करेंगे तो ये तो हमारे पास हो गया था 10 की पावर 3 और नीचे आ गया था 1000, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू ऑफ 253 की पावर क्यूब प्लस 247 की पावर 3 अपॉन 25.3 प्लस इंटू 25.3 माइनस 625.91 प्लस 24.7 इंटू 24.7 इज 50 इंटू 10 पावर के। तो हमें इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसमें से तीनों में से अगर हम इसमें से हम अगर पॉइंट कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक के पहले पॉइंट, एक के पहले पॉइंट, तो पॉइंट हटाएंगे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे दो के पहले, यहाँ पे भी दो के पहले, यहाँ पे भी दो के पहले, और ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, तो ये ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये हो गया हमारा ए स्केयर, ये हो गया माइनस ए बी और ये हो गया बी स्केयर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे पॉइंट, तो ये पॉइंट हट देगा, तो यहाँ हमारा बन गया 10 की पावर -2, तो नीचे आ गया 10 की पावर -2, और ऊपर क्या था, ऊपर था 253 की पावर क्यूब 247 की पावर क्यूब, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, यहाँ हो गया ए प्लस बी और यहाँ इसकी जगह पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, यहाँ पे भी 253 ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास रह गया ए प्लस बी, और ए हमारे पास क्या था 253, तो हमने क्या लिखा 253 और बी क्या था 247, 247 और ये 10 रेस पावर -2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी इज 50, 50 इंटू 10 रेस पावर के। अब ये इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 500 और ये हो गया 10 की पावर 2 इक्वल टू 50 इंटू 10 पावर के। इस तरफ हमें 50 दिया हुआ है तो इस तरफ भी हम इसको 50 बना लेते हैं, इसका इसको 50 बनाएंगे तो ये हो गया 10 की पावर 3, तो हमें मिल गया 50 इंटू 10 पावर 3 इक्वल टू 50 इंटू 10 पावर के। तो यहाँ से 50 भी है, 10 भी है और 10 के ऊपर पावर 3 है, यहाँ पे 10 के ऊपर पावर के है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो केक की वैल्यू हमें यहाँ पे से 3 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 0.6 रेस टू पावर 4 माइनस 0.5 रेस टू पावर 4 अपॉन 0.6 रेस टू पावर 2 प्लस 0.5 रेस टू पावर 2, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 0.6 की पावर 2 इसकी पावर 2, तो ये बन गया जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से 4 बन जाएगा, तो यहाँ से सेम इसको भी 0.5 स्क्वेयर अपॉन, और यहाँ से और ये नीचे 0.6
का स्क्वेयर प्लस 0.5 का स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए प्लस ए माइनस बी स्क्वेयर का, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार ए प्लस बी लिखें, एक बार ए माइनस बी, ये हमारा ए और ये बी, तो ये लिख दिया हमने ए ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी, और नीचे हमारी ये वैल्यू थी 0.5 का स्क्वेयर, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। या फिर 0.6 का स्क्वेयर मतलब 0. अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 का 0.36 माइनस 0.25, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.11। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।